मेरी सिस्टर ने मेरे लिए राखी भेज रखी है, इसमें लिखा हुआ है, देखो दिनेश पाल ब्लॉगर लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो उल्टा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक किए होंगे। तो दोस्तों, मैं गया हूँ गांव में, ये मेरी मम्मी है और आज रक्षाबंधन है। मम्मी, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मैं और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप भी इस भाई बहन के अटूट बंधन को पूरे जीवन भर निभाएं अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। सब एक साथ बैठ के रक्षाबंधन कर रहे हैं, यहीं पे राखी आके बांधेंगे जो भी आए हुए हैं। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो मेरे हाथ में रक्षा बांध रही है, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो कल शाम ही आ गई थी। इसको मैंने बहुत बार दिखाया भी आप लोगों को वीडियो में, और क्योंकि सबसे बड़ी है तो सबसे पहले उसी का हक बनता है। तो यहाँ पे जब आई हुई है तो ये है हमारी दूसरी दीदी जो सबसे बड़े से छोटी वाली, ये भी कल मेरे साथ ही गाँव को आई थी। कल का वीडियो आपने देखा होगा जो शायद आज अपलोड हो पाया है, क्योंकि गांव में नेट नहीं चल रहा था इसलिए। ताई जी ने खीर बना रखी है तो खीर खीर खा लेते हैं हम। सो गाइस, आजकल आप लोग देख सकते हो कि जो भी मेरे घर के आगे पीछे यानी कि चारों तरफ पड़ालू पड़ालू दिखेगा, यानी कि गडेरी जिसको बोला जाता है, सब जगह इसी की खेती की गई है। इस मौसम में इसी की खेती की जाती है और गहत बोए हैं ऊपर खेतों में, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूरी हरियाली छाई हुई है चारों तरफ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो, आप लोग देख सकते हो मेरे जो घर का एरिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए राखी भेज रखी है, इसमें लिखा हुआ है, देखो दिनेश पाल ब्लॉगर लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो उल्टा लगेगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरी सिस्टर ने भेजा है, ये देख सकते हो आप लोग। दीदी ने इसमें लिखा हुआ है, अलग से लिखा था इसमें, इस वाले इसमें जो मेरे लिए भेजी थी, दिनेश थवाल ब्लॉगर लिखा है। मैं दीदी को देखो, वो आ तो नहीं पाई, लेकिन मैं दीदी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोग जा रहे हैं मार्केट को, तो तैयारी हो चुकी है पूरी।
चलो अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और काफ़ी धूप लगी हुई है। अभी घर से थोड़ा आगे जो पहुंचे हैं पसीना बहने लग गया है हमने पे घर और हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इतने में ही धूप से हालत ख़राब होने लगी है और इन खेतों में गहत की खेती की गई है लेकिन सो यहाँ पे बंदरों ने ना सब ख़त्म करके रख दिया खेती। कुत्ते हैं नहीं यहाँ और बच्चे जा रहे हैं तो भगाने के लिए उनको भी उनके भी ऊपर भी हमला बोल दे रहे हैं और काफ़ी धूप लगी हुई है। आराम आराम से चलते हैं, आप लोगों को मैं यहाँ का व्यू दिखाते रहूँगा। हम लोग आधे रास्ते से भी बहुत दूर पहुँच चुके हैं लेकिन ऊपर शनि मंदिर के पास और अब क्या कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं बल्ले के रास्ते से और अभी मैंने अपने भाई यानी कि दोस्त को बुला रखा है और वो लेते हुए जाएगा दीदी लोगों को, मैं किसी पे भी निकल के चला जाऊंगा। ये भाई आ चुका है, इनको ले लेंगे और ये लोग चले जाएंगे। ठीक है, दीदी लोग तो चले गए हैं और मैं किसी गाड़ी में चला जाऊंगा क्योंकि इनकी प्रॉब्लम थी ना, गाड़ियां आज रोड बंद है इसलिए। सो गाइस मैं यहाँ पे मार्केट में पहुँच गया हूँ। अभी मैं स्कूटी से आया किसी की क्योंकि वो मिल गई थी, दीदी थी कोई रक्षाबंधन से आ रही होगी तो उनने खुद ही रोक लिया था और अभी मैं पहुँच चुका हूँ कमरे में, बस पहुँचने वाला हूँ कमरे में, वैसे मार्केट पहुँच गया हूँ। सो मैं कमरे में पहुँच चुका हूँ और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, रक्षाबंधन का दिन। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए राखी भेज रखी है, इसमें लिखा हुआ है, देखो दिनेश पाल ब्लॉगर लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे तो उल्टा लगेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरी सिस्टर ने भेजा है।